हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि हमारा जो कोर्स है अभी तक ऑफलाइन था और अब हम ऑनलाइन लेकर आ चुके हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम स्केमेटिक की डीप लेवल नॉलेज देंगे। स्टूडेंट को कहीं और जाकर काम सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सिर्फ आप घर बैठे सारा का सारा मोबाइल में जितना भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग होती है, सारा कुछ आप सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका रीजन क्या है ऑनलाइन कोर्स अभी लॉन्च करने का और उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है और उसके बेनिफिट्स क्या है और जो ऑफलाइन आप जाकर के कोर्स कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारा चीज मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 20 सितंबर से हमारा ऑनलाइन का लाइव कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको सारा कुछ लाइव सारी चीजें दिखाई जाएगी जूम एप्लीकेशन के थ्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये पहला बैच हमारा है जहां पे आपको लाइव क्लास मिल रही है और उसमें आपको सारा चीज स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स क्यों करें और ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स में क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारा चीज सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का रीजन ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है अपने शॉप में काम करते हैं और वो अपना शॉप बंद कर महीने डेढ़ महीने के लिए किसी और शहर में जाकर रहना नहीं चाहते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, वो अगर अपना काम छोड़कर किसी के पास जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इनका माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है। जो 20 दिन 22 दिन जो दुकान बंद रह रही है उनकी, कस्टमर खराब हो जाता है, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने घर से निकलना। जी हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स सबसे बड़ा रीजन ये भी है ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारे कमोपेश 1500 से 2000 स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं और उनका एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले से काम कर रहे हैं तो वो जल्दी कैच कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स है उनके लिए 20 दिन 22 दिन 30 दिन में एक मोबाइल का अच्छा टेक्नीशियन बनना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जी हाँ फ्रेंड, इसीलिए हम फ्रेशर स्टूडेंट को बार बार रिपीटेड बैच में भी हमने काफी बार बुलाया है और काफी बार बुला करके उनको ट्रेनिंग दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन में स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि स्टूडेंट अपना घर छोड़कर दुकान बंद करके वो जाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कोर्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे अपना काम चलाते हुए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये मोबाइल का काम ऐसा है, हम सालों से काम कर रहे हैं, 15-20 साल का हमको एक्सपीरियंस है और हमको चीजें इजी लगती हैं, आसान लगती हैं, लेकिन कोई फ्रेशर स्टूडेंट आ करके 20 दिन में सारी चीजें कैच कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। उनको एक आइडिया मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, लेकिन एक क्लू मिल जाएगा, लेकिन वो मास्टर नहीं बन पाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन में हम आपको जो सिखाने वाले हैं, सर्किट की नॉलेज, डीप लेवल की नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। जहां पर तक आप काम करते हो, जहां पर जाकर के फंस जाते हो, मोबाइल नहीं बन पा रहा है, वापस जा रहे हैं सेट, सीपीयू एक्टिवेट नहीं हो रहा है, नो रेस्पॉन्स में पड़ा है, या फिर लो बूटिंग में पड़ा है, या हाई बूटिंग में पड़ा है, या पावर एसी एक्टिवेट नहीं हो रही है, पावर एसी लगाते हैं आप हीट हो रही है, शॉर्ट हो रही है, कितने भी पावर चेंज कर ले पावर ही हीट हो रहा है, कितने भी आप डीसी टू डीसी चार्जिंग एसी चेंज कर ले वहां पे आपको वीपीएच वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, बैटरी कनेक्टर पे आपको वोल्टेज नहीं आ रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, पावर एसी वर्क नहीं कर रही है, सीपीयू एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ईएमएमसी एक्टिवेट नहीं हो रही है, यूएफएस एक्टिवेट नहीं हो रहा है, रैम आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। दोस्तों, आप जो चेकिंग करते हो एक बेसिक लेवल तक चेकिंग कर लेते हो, एडवांस लेवल पे अगर आपको सीखना है, दोस्तों ये जो ऑनलाइन का कोर्स है ये सिर्फ कोर्स नहीं, आपको सारी की सारी वीडियोस मिलने वाली है, कम से कम 100-200 वीडियोस आपको मिलने वाली है इस हमारे ऑनलाइन कोर्स में। और ये पहला बैच जिसमें हम लाइव भी आपको क्लासेस लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ लाइव मेरी क्लासेस होगी जहां पे मैं 2 घंटे में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। दोस्तों, होता क्या है, ऑफलाइन में आप आ रहे हो, 15 दिन बैठ रहे हो, 20 दिन बैठ रहे हो, उसमें आपको सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट करना है, उसमें आपको यूएफएस भी सीखनी है, एमएमसी भी सीखनी है, सर्किट डायग्राम की नॉलेज भी लेनी है और हैंड स्किल भी बनाना है, तो आपके दिमाग पे प्रेशर हो रहा है। दूसरा, आपका दुकान बंद है, वो भी आपको प्रेशर है। तीसरा, आप नए शहर में आके हो, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आपको खाना नहीं जम रहा है,
आपको पानी नहीं जम रहा है, आप जहां पे रह रहे हो वो हॉस्टल की फैसिलिटी आपको पसंद नहीं आ रही है, या फिर दूसरे लोग तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप उतना कैश नहीं कर पा रहे, तो आप अपने आप को समझते हो कि कहीं मैं कमजोर तो नहीं हूं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप जितना टाइम दोगे सर्किट डायग्राम के लिए उतनी आपकी नॉलेज अच्छी होगी। फ्रेंड्स दोस्तों ये कोर्स लॉन्च करने का रीजन ये है, ये कोर्स आपके साथ ही रहने वाला है, जब आपको समय मिलता है जब आपको टाइम मिलता है इसमें आपको वीडियोस को आपको देखने हैं और मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी क्लियर करूंगा और साथ ही साथ वीडियोस भी आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 15 दिन के लिए महीना भर के लिए दे रहा हूं, आपके पास ये वीडियोस जो है हमारे 3 महीने 6 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप ऑफलाइन कोर्स में आते हो तो यहां पे फ्रेंड्स आप 15 दिन 20 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, 10-12 दिन आपकी सर्किट डायग्राम की क्लास होती है, एक ही दिन में सारा कुछ पढ़ाना होता है टीचर को क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर वाले टीचर को भी पढ़ाना होता है, प्रैक्टिकल वाले टीचर को प्रैक्टिकल कराना होता है, तो ये 15-20 दिन महीने भर में ये पॉसिबल नहीं है। हमने देखा है फ्रेशर स्टूडेंट इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रेशर स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत आती है इसमें, पहले से काम कर रहे हो 4-8 साल 10 साल से काम कर रहे हो तब आपको ये काम आसान लगता है, तब आप कैच भी करते हो क्योंकि आप काम कर रहे हो, कहीं कहीं पे आप फंस रहे हो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑनलाइन कोर्स है आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप 15-20 दिन में आप मास्टर नहीं बन पाओगे, यहां तो टीचर का काम तो देख लोगे, टीचर के लिए थाली मारकर चला जाओगे, क्लैप्स करके चला जाओगे, बहुत हो गया आप सीपीयू लगा लोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में चल रहा है सीपीयू कॉम्पिटिशन, दोस्तों सीपीयू लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन के अंदर मैं आपसे 4G सीपीयू लगवा दूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक दिन में आप 2 घंटे के अंदर एक 4G सीपीयू लगा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सीपीयू लगाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, काम है सर्किट को समझना, स्कीमेटिक बहुत बड़ा है, नेटवर्क सेक्शन में 3-3 दिन लग जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़ा है नेटवर्क सेक्शन, 7-7 ICs होती हैं, उसमें 8-8, 10-10 RFFE उसमें नेटवर्क सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, ट्यूनर IC होती है, SPDT होता है, LNA होते हैं उसके अंदर, आपको PA होते हैं, DRX IC होती है, बहुत सारे ICs होते हैं, RFIC होती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखने होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं, 20 दिन में ये पॉसिबल नहीं है, 10 दिन 15 दिन की क्लासेस आजकल इंडिया में चल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको गलत गाइड भी कर देंगे, 4000 वाले के पास भी भेजेंगे, 5000 वाले इंस्टीट्यूट में भी आपको भेज देंगे, 10000 वाले इंस्टीट्यूट में भी भेज देंगे आपको, वो इतने इंस्टीट्यूट का आपको वीडियो बता देंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि जाएं कहां पर, सीखे किससे, सब जगह आपको एक जैसा लगेगा, सेम माइक्रोस्कोप दिखेगा, सेम SMD दिखेगी, सेम DC मशीन दिखेगी, और आपको समझ नहीं आएगा कि आप जाए तो किसके पास जाए, आप सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों, नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि एक बार आप किसी के पास सीख लें तो दोबारा आपको किसी और के पास जाकर सीखने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे दोस्तों मेरा जो कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसका हैंड स्किल अच्छा है, जिसको IC रिबॉलिंग आती है, CPU रिबॉल कर लेते हैं, पावर AC डाल लेते हैं, ब्लैक पेशेंट खोल लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है। जी हाँ, इस कोर्स में आपको मिलने वाला है टोटल फॉल्ट फाइंडिंग आपको मिलने वाली है, डीप लेवल की फॉल्ट फाइंडिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक से एडवांस लेवल तक, स्टार्ट टू एंड पॉइंट तक आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। अगर आप ग्राफिक के लिए सप्लाई चेक कर रहे हो तो LCD कनेक्टर से लेकर CPU तक मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको चेक करना है। अगर आप लाइट सेक्शन के लिए आप चेक कर रहे हो तो LCD कनेक्टर से लेकर लाइट IC और लाइट IC से लेकर CPU तक की सप्लाई मैं आपको बताऊंगा कि CPU से अगर कोई लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपकी लाइट काम नहीं करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, चार्जिंग बंद में ले रहा है, ऑन में नहीं ले रहा है, या फिर स्टोरेज नहीं कर रहा है, फेक चार्जिंग ले रहा है, या चार्जिंग परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, चार्जिंग का इंडिकेशन नहीं आ रहा है, फेक चार्जिंग हो रही है, स्लो चार्जिंग हो रही है, तब क्या करें, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। डेड मोबाइल है, हार्डवेयर फॉल्ट है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट है, MMC का फॉल्ट है या UFS का फॉल्ट है, ये आपको मैं बताऊंगा। चार्जिंग AC खराब है या सही है, पावर AC सही है या खराब है, CPU आपका सही लगा है कि नहीं लगा है, RAM और MMC आपकी सही लगी है कि नहीं लगी है, उसकी रिक्वायरमेंट सारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारा चीज आपको बताऊंगा। कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, मल्टीमीटर के थ्रू आप बहुत ही आसानी से आप चेकिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मल्टीमीटर के थ्रू बहुत ही एडवांस लेवल पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हो।
बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टिंग में फंस जाते हैं, लो बुटिंग में फंस जाते हैं, या लो एम्पियर कंज्यूम करता है 001, 002, 003, उसमें फंस जाते हैं। बहुत इजी ट्रिक और टिप्स बताऊंगा फ्रेंड्स। डायरेक्टली आप उसी कल्प्रिट कंपोनेंट को डायरेक्टली आप पकड़ सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक मैं आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में देने वाला हूं दोस्तों। इसमें सिर्फ आपको सर्किट डायग्राम ही नहीं, मैं 50-60 लाइव रिपेयरिंग के वीडियोस भी आपको देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप टीप लेवल पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा, पूरा स्टार्ट टू एंड पॉइंट तक। सबसे पहले यहां पे कवर होंगे आपके कंपोनेंट्स, आपको स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस है। आपको लगता है जिस एरिया में आप वीक हो, जाकर के उस वाले वीडियो को देखिए, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो मटेरियल मैं आपको दूंगा फ्रेंड, इससे आप पूरा इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ऐसे लेवल पे, एडवांस लेवल पे मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं। अभी जो डाटा आपको मिलने वाला है, जो वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे एडवांस लेवल पे आपको मिलने वाले हैं, टीचिंग लेवल पे, बेसिक से लेके आपको टीचिंग लेवल तक मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, आप एडवांस लेवल पे सीखेंगे सारी चीजें। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत सारे अपना काम करते हो, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स क्लियर होंगे इसमें, जितने भी कंपोनेंट्स है, एक्टिव हो या पैसिव कंपोनेंट्स हो, कैसे काम करते हैं, कैसे उसको चेक करना है, सारा चीज बताऊंगा। चाहे वो मॉस्फेट हो, ट्रांजिस्टर हो, या फिर आपका रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, कॉइल हो, ईएमआई फिल्टर हो, सारा चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एलडीओ कैसे वर्क करता है, आईसी के अंदर डाटा शीट कैसे आपको पढ़नी है, ब्लॉक डायग्राम कैसे आपको पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आईसी की काउंटिंग कैसे करनी है, डायग्राम है तो कैसे रिपेयर करना है, डायग्राम नहीं है तो उसको कैसे रिपेयर करना है, ये सारा चीज बताऊंगा। सर्किट डायग्राम के साथ साथ बिट मैप, स्केमेटिक की नॉलेज, हार्डवेयर सोल्यूशन, और अगर कुछ भी ना हो तो सेल्फ कैसे रिपेयर करना है, ये आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फ्रेंड्स, सैमसंग के मॉडल्स में फंस जाते हैं, कॉम्पोनेंट मिसिंग हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि वहां पे कितने वैल्यू का रजिस्टर था या कितना वैल्यू का कॉइल डालना है। सेम मदरबोर्ड है तो आप तो सेम रिप्लेस कर लेते हो, लेकिन सेम मदरबोर्ड नहीं है, बहुत सारे रजिस्टर मिसप्लेस हो चुके हैं, निकल चुके हैं, तो वहां पे कौन सा रजिस्टर डालना है, ये आपको बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा। आप खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं, निकाल के सैमसंग के मॉडल में भी आप डाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही एडवांस लेवल पे आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं। नेक्स्ट हो गई बात फ्रेंड्स कॉम्पोनेंट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शंस पे। लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, टच, ऑडियो, जितने भी आपके रिंगर, माइक, स्पीकर, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नेटवर्क सेक्शन, 4G और 5G में कैसे काम कर रहा है, हाई बैंड कैसे काम करता है, लो बैंड क्या है, हाई बैंड क्या है, मीडियम बैंड क्या है, 2GPE कैसे वर्क करता है, RX लाइनें क्या होती है, TX लाइनें क्या होती है, SPDD क्या काम करता है, LNA का वर्क क्या है, किसको हम बाईपास कर सकते हैं, एंटीना स्विच क्या है, सारा चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कॉइल आपकी सीरीज में लगी है, पैरेलल में लगी है, कैपेसिटर सीरीज में लगा है। नेटवर्क सेक्शन में आपने देखा होगा कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, कॉइल सीरीज में और पैरेलल में लगे होते हैं, रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं। ऑडियो सेक्शन में आपने देखा होगा कि कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज आपको बताऊंगा। मोबाइल में फ्रेंड्स सीपीयू कई बार नो रिस्पॉन्स में चला जाता है, एक्टिवेट नहीं होता है, पोर्ट नहीं बनाता है, डीसी में कोई स्विचिंग नहीं लेता है, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास DSO है तो आप DSO की भी मैं यहां पर ट्रेनिंग दूंगा। DSO में आपको I2C कैसे चेक करनी है, RFFE क्लॉक डाटा कैसे चेक करना है, नेटवर्क सेक्शन में बेसबैंड क्लॉक कैसे चेक करना है, XO इन RF क्लॉक कैसे चेक करना है, स्लीप क्लॉक 32 किलोहर्ट्ज कैसे चेक करना है, ऑडियो के सिग्नल कैसे चेक करना है, टच कैसे चेक करना है, मोसी मिसो SPI प्रोटोकॉल कैसे चेक करना है, क्रिस्टल को कैसे चेक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। DMDP लाइन कैसे चेक की जाती है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसकी सेटिंग बताऊंगा, कितने पे आपको DSO को रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही डीपली लेवल पे बताऊंगा, इतना कुछ आपको दे दूंगा फ्रेंड्स। मेरा ये पूरा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया में आपको इतना लेवल पे कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इतना मेरे डाटा पे स्टडी कर लेंगे तो आप खुद एक ट्रेनर बन जाएंगे। बड़ी बात से तौबा फ्रेंड्स, आप खुद एक ट्रेनर बन जाएंगे, आप खुद स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, इतना डीप लेवल पे आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किन टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आती है, क्या मोबाइल वापस जा रहे हैं फ्रेंड्स।
ये सर्किट डायग्राम की बात हो गई, जिसमें आपको एप्लीकेशन भी मिलने वाला है और साथ ही साथ मेरी लाइव क्लासेस होगी 2 घंटे की, और उसका आपको सारा आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे। जो आप काम फंस रहा है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैं सपोर्ट दूंगा आपको। जो भी आप काम कर रहे हो मैसेज करिए, आपको इमिडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फ्रेंड्स क्या क्या चीजें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स आपको पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको सिखाऊंगा कि दोबारा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद दूसरों को बताने वाले बन जाएंगे। बार बार जा रहे हो YouTube पे ढूंढ रहे हो अपना सोल्यूशन, आगे वाले के पास जहां से प्रॉब्लम आई जरूरत नहीं है कि आपके पास भी सेम वहीं से प्रॉब्लम आए। दोस्तों सेक्शन में बहुत कुछ चीजें होती हैं जो चेक करना होता है, किसी के पास जहां से प्रॉब्लम आई आपके पास भी वहीं से प्रॉब्लम आना जरूरी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, सेक्शन तो सेम है, मोबाइल भी सेम है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और से आएगी। तो बार बार यूट्यूब जाकर देखने की जरूरत नहीं है, बार बार किसी से कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं है, फेसबुक पे जाके पूछ रहे हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में जाके पूछ रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं फ्रेंड। आप मार्केट में बैठे हो, आपके पास कस्टमर का काम आ रहा है, तो आप सीख कर काम करिए। जी हाँ फ्रेंड, देख कर या सुनकर नहीं, समझ कर काम करिए। तो समझने के लिए पहले सीखना होगा, तो सीखना है तो आप मोबिकेयर सॉल्यूशंस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं भी इतने वीडियोस दे दूंगा, कम से कम 200 वीडियोस दूंगा, जिसको देख करके आप सारा चीज सीख लेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से बताऊंगा, वोल्टेज क्या है, कैसे काम करता है, एम्पियर क्या है, एसी डीसी में फर्क क्या है, एनालॉग क्या है, डिजिटल सिग्नल्स क्या है, एनालॉग वोल्टेजेस क्या है, लीनियर सर्किट क्या है, चार्जिंग में आप देखोगे कैपेसिटिव चार्जिंग सेक्शन क्या है, इंडक्टिव चार्जिंग कैसे काम करता है, लीनियर वोल्टेज क्या होता है, बक वोल्टेजेस क्या होते हैं, बूस्ट वोल्टेजेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको मेन बेसिक नॉलेज होगी, सर्किट डायग्राम की नॉलेज होगी ना, कोई मोबाइल आपसे वापस नहीं जाएगा फ्रेंड। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपको काम करना है। और रही बात फ्रेंड्स, अगर आपका हैंड स्किल अगर नहीं है, ये कोर्स लेने के बाद आपको नॉलेज तो आ गई है, लेकिन आप आईसी लगाना निकालना नहीं जानते हैं, आपको रिवॉल्विंग करने नहीं आ रहा है, बस 10 दिन के लिए मेरे पास आ जाइए आप, मैं आपके हाथ से ब्लैक पेस्टर डबल डेकर तक करवा के भिजवा दूंगा, 100% आपके हाथ से 4G CPU में लगवा कर भिजाऊंगा आपसे, फिर 10 दिन देना है। दोस्तों महीना महीना जाकर के आप बैठ रहे हो, जाने के बाद भी आपको CPU डालने नहीं आ रहा है, तो ये आपकी गलती नहीं है, उन ट्रेनर्स की गलती है जो सिखा रहे हैं आपको, यानी प्रॉपर नहीं सिखा रहे हैं। आप कोर्स कर रहे हो, पूरा कोर्स करने के बाद भी दुकान में आने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जब तक वहां बैठे थे ऐसा लगता था कि मुझे सारा कुछ आ चुका है, अब मैं मास्टर बन चुका हूं, कोई मोबाइल मेरे पास वापस नहीं जाएगा। लेकिन जब कस्टमर का मोबाइल आप हाथ में लेते हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, PCB में समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहां से करें, कूल टेस्टिंग क्या है, हॉट टेस्टिंग क्या है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस क्या है, कौन से वोल्टेजेस को आप बाईपास कर सकते हैं, पुल अप सर्किट क्या है, पुल डाउन सर्किट क्या है, रेजिस्टर्स के कितने एप्लीकेशन है, कितने तरीके से लगते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, पुल अप तरीके से लगे होते हैं, पुल डाउन तरीके से लगे होते हैं, कैपेसिटर्स हो गए उसके कितने एप्लीकेशन है, सीरीज में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, फ्लाइंग कैप जिसे हम कहते हैं या फिर कपलिंग कैप हम जिसे कहते हैं, बहुत सारे तरीके से कैपेसिटर्स को मोबाइल के अंदर लगाया जाता है। कॉइल हो गया, कभी पैरेलल में दिखेगा आपको, कभी सीरीज में दिखेगा, इसका वर्किंग क्या है, पैरेलल में क्या काम कर रहा है, सीरीज में क्या काम कर रहा है, कौन से आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं, कौन से वोल्टेज को हम बाईपास कर सकते हैं, कौन सी लाइन में कितना एम्पियर की सप्लाई जा रही है, ये सारा चीज आपको सीखना होगा। कहीं पे भी कितना भी वोल्टेज आप दे दोगे शॉर्टिंग के टाइम पे, तो आपका CPU या MMC आपका डैमेज हो जाएगा, फिर आपका मोबाइल ऑन होने वाला है नहीं फ्रेंड्स। तो दोस्तों पावर बूट सीक्वेंस क्या है, पावर एसी कैसे काम कर रहा है, MTK में बूट सीक्वेंस कैसे होता है, क्वालकॉम में बूट सीक्वेंस कैसे होता है, कैसे काम करता है, कौन से वोल्टेजेस एक्टिवेट होते हैं मोबाइल ऑन होने के लिए, कौन से वोल्टेजेस मोबाइल ऑन होने के बाद एक्टिवेट होते हैं, कौन से वोल्टेज सेक्शन को एक्टिवेट होने के बाद वोल्टेजेस आते हैं, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। सैमसंग हो या फिर MediaTek या फिर क्वालकॉम चिपसेट हो, कैसे वर्क करता है, बूट सीक्वेंस कैसे चेक करना है, कहां पे आपको मेगाहर्ट्ज चेक करने हैं, कहां पे आपको स्लीप क्लॉक के आपके 32 किलो हर्ट्ज चेक करने हैं, कहां पे LDO चेक करने हैं, कहां पे बक वोल्टेज चेक करना है, ये आपको सिखाएंगे फिरोज सर, मोबाइल गुरु फिरोज सर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि उसको काम करना ना है। सिर्फ हीट मारने से काम नहीं होगा फ्रेंड, सिर्फ IC लगाने निकालने से काम नहीं होगा आपका, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हैंड स्किल भी चाहिए और सर्किट की नॉलेज भी चाहिए, ये दोनों चीज मिल करके एक अच्छा टेक्नीशियन आप बनोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मोबाइल में आपको करना क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए और कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हो,
महीना महीना दो दो महीना किसी के पास जाकर बैठना नहीं चाहते हो, क्योंकि उसमें लाखों रुपए आपका खर्च हो जाएगा। जितने दिन दुकान बंद रखोगे वो तो इनकम आपकी गई। जी हाँ फ्रेंड, आने जाने का आपका ट्रांसपोर्ट का काफी सारा पैसा खर्च हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो 20-25 हजार ऐसे ही खर्च हो जाएगा। रह रहे हो होटल में 10,000 से 15,000 रहने खाने का हो जाएगा। दोस्तों मेरा कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 14999 में दे रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत कम फीस है। इतनी कम फीस में आपको ये वाला कोर्स पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता है फ्रेंड। 50,000 रुपए दे रहे हो, जाकर एक सीपीयू लगा के आ रहे हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आने के बाद आपको खुद पता नहीं, वहां तो लग गया था सीपीयू, यहां तो लग नहीं रहा है। आपको इतना मोटिवेट कर देंगे, इतने सारी चीजें आपको बता देंगे कि आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत जब आप अपने काउंटर पे जाकर बैठोगे तब पता चलेगा आपको कि आप क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितने लेवल पे आप आ चुके हो। दोस्तों 10-15 दिन में सारी चीजें रेगुलरली आप देखते जा रहे हो, आपके माइंड के अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए उन सारी चीजों को समझने के लिए, स्टोर करने के लिए। आगे वाला बता रहा है क्योंकि उसके पास 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में उसको थ्योरी खत्म करना है, वो 10 दिन में अपना सारा कोर्स खत्म कर देगा, लेकिन क्या आप वो 10 दिन में सारा कुछ याद रख पाओगे? इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर? क्या 15 से 20 दिन के अंदर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाओगे? अगर कोई आपको 20 साल का एक्सपीरियंस 20 दिन में दे रहा है तो क्या आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने यह ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। ये वीडियोस आपके साथ रहेंगे, मेरा सारा कोर्स आपके साथ रहेगा। जब भी आपको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, जाइए जाकर के देखिए, आप 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं डेमो वीडियोस भी दे रहा हूं आपको, उसे भी जरूर जाकर के देखिए। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो आप जहां भी जा रहे हो डिसीजन लेकर जाइए, क्या मैं इतना एफर्ट कर पा रहा हूं? 1-1.5 लाख रुपए मेरे जा रहे हैं, उसके बाद भी क्या मुझे कुछ सीखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोस्तों यूट्यूब को बिल्कुल मत देखिए, यूट्यूब पे जो भी बता रहे हैं वो सारी चीजें फेक होती हैं। आप लाइव जाइए, किसके पास भी जा रहे हो, 5 सेट हाथ में लेकर जाइए और देखिए कि वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। कहिए टीचर से कि ये सेट को बनाकर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, मोबाइल बनाकर बताने के लिए बोलिए। अगर आप ऑफलाइन आते हो मोबीकेयर सॉल्यूशन में, 10 सेट अपने पास साथ लेके आइए, आपको लाइव रिपेयर करके बताएंगे, उसमें से आधे सेट आपके हाथ से लाइव रिपेयर करवाएंगे। 100% गारंटी के साथ कहता हूं फ्रेंड्स, लाइव रिपेयर करके मैं बताऊंगा आपको, और आपके हाथ से भी कुछ सेट्स रिपेयर करवाऊंगा। अगर आपको मोबीकेयर आना है तो 10 सेट आप ऑफलाइन में लेकर आ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कहेगा कि 10 सेट लेकर आओ, हम कुछ बना के बताएंगे और आप कुछ आपसे कराएंगे। पूरी गारंटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं फ्रेंड, कोई नहीं बताएंगे बताने वाला आपको। जितने इंस्टीट्यूट इंडिया में चल रहे हैं फ्रेंड्स, काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ एक दूसरे का देख रहे हैं वीडियो। अगर हमारा कुछ अच्छा टॉपिक दिखेगा उसी के ऊपर वीडियो डालेंगे और उसी को थोड़ा सा ऐड करके मसाला, उसी में आपको वो सारी चीजें बताएंगे। दोस्तों लाइव मोबाइल लेके जाके टीचर के हाथ में दीजिए, कहिए कि थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक मोबाइल बना के बताइए हमें। जी हाँ फ्रेंड, जो इंस्टीट्यूट अगर आपको लाइव मोबाइल रिपेयर करके बताता है, ऐसे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करिए। थ्योरी भले ही आप देख लीजिए, यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक डालिए, आप हजारों वीडियोस आपको देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों वही सारा घटा पीसा ज्ञान जो के जाकर आप देख रहे हो, बैठ रहे हो, 50-50 स्टूडेंट बैठ के रहे हैं, उसमें से टीचर को आपका नाम भी याद नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कम स्टूडेंट्स होने चाहिए और ट्रेनिंग एडवांस लेवल की होनी चाहिए, और ट्रेनिंग मिनिमम महीना 2 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये कोर्स मैं दे रहा हूं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एडवांस लेवल पे भी आप काम करते हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। मेरा कोर्स ले सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा लगा तो लीजिए। यहां पे मैं डेमो के लिए भी आपको 1 दिन का समय दूंगा, देखिए क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, क्या क्या रहने वाला है इसमें, कितने एडवांस लेवल पे आपको मैं बताऊंगा। तो आप अगर ये कोर्स मेरा ले लेंगे, दोबारा आपको किसी से भी एंड्रॉइड का ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, तो आगे हमारे और भी बहुत अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। टॉपिक जो होगा हमारा, आपके पास जो फॉल्ट आ रहे हैं उसी टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे हमारा वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।